आज आपके साथ एक और एवियन का केस डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये गंभीर बीमारी जो आजकल समाज में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और लगभग हर हफ्ते 2 से 5 केसेस हमारी ओपीडीज में ये अब आने लगे हैं, जो ऐसा जो आज से शायद 15 साल या 20 साल पहले नहीं होता था। और जिसकी वजह मैंने अपने एक पहले के वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया है कि खान पान में बदलाव, आहार भी दूषित हो गया है और विहार भी दूषित हो गया है, मतलब हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गई है पहले के मुकाबले, और खाना पीना भी अब जो हमें मिल रहा है वो उतना प्योर नहीं रह गया है जितना वो पहले था, जिसकी वजह से या कोई और रोग की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, बहुत सारे कारण हैं एवियन के बारे में जब हम बात करते हैं। तो आज हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं ये दीपेंद्र गुप्ता जी का केस, ये अपने बारे में स्वयं ही आगे की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि एवियन से संबंधित बीमारी के बारे में दीपेंद्र जी का क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं आप अपने रोग के बारे में, बताएं कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। सर ये मेरे को आज मान के चलिए कि लास्ट ईयर जून के महीने से मेरा पेन पहले हल्का हल्का था, उठने लगा था हिप्स के निचले हिस्से में। अब ये आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है। हम तो मतलब घरेलू इलाज हम लोग कर लेते थे पहले, तेल मालिश करना या ऐसे ही मतलब कुछ मतलब कॉम्बी फ्लेम खा लिया, दर्द हो गया तो, और इसका इलाज हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमने इससे परेशान होकर हमने पहले एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था SMS हॉस्पिटल में। तो उनका ये कहना था कि भाई आपके इसमें या तो कोई स्टोरेज की वजह से कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, या कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो हमने लगा भी कोरोना तो हमारे हुआ नहीं है, तो बोले नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोरोना का कोई साइड इफेक्ट है, बूस्टर का मतलब जो भी वैक्सीन रखा कोई साइड इफेक्ट होगा, इसलिए हमने उनकी बात को मानते हुए MRI हमने उनके करवा दिया। अगर हमारे कराया तो हमारे एवास्कुलर नेक्रोसिस 3rd स्टेज मेरे ही निकला, जो कि मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज है। तो अब उन्होंने बोला कि सब ये इसका इलाज देखो, एलोपैथी में तो वैसे तो ऑपरेशन ही है, पर हमने कहा कि अभी एज कम है, 42 ईयर्स कम मेरी एज है, इस उम्र में अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ तो आने वाले 10 साल बाद ही मेरे को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं अभी। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह उन्होंने मेरे चलाई, तो मैं मेडिसिन लेता रहा। कुछ मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह मैंने शुरू करी, लेकिन मेरे को आराम इतना नहीं था जितना मतलब लग रहा था कि उससे इलाज हो जाएगा, पर मेरा इलाज उससे प्रॉपर चल नहीं रहा था मेरा। फिर हमारे कई नोन थे जिन्होंने मतलब हमको ये राय दी कि आप इसमें एक बार आयुर्वेद में जाके इसको इसका भी इलाज देखिए, आयुर्वेद में इसका इलाज है। और मेरे कस्टमर हैं हमारे मिस्टर मुकेश शर्मा जी, उनका भी आयुर्वेद से इनका इलाज हुआ था। तो मैं उनके कहने से फिर मैंने आपके पास में मतलब ये मान के चलिए मार्च के महीने में आपसे आपके पास में आया था, यहाँ से मेरा इलाज शुरू हुआ। और इस इलाज में मेरे को मतलब ये आपने जो इसमें मेडिसिन वगैरह दी है और जो मेरे आपने पंचकर्म किया है, उस पंचकर्म का वाकई मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था। मतलब आपने जो मेरे 5 थेरेपी वगैरह करी थी, कटी बस्ती हो गया, और आपने क्या है एक पोटली है, एक स्टीम है, और भी 2 थी मसाज वगैरह है, तो वो इतनी मतलब दर्द निवारक थी कि मेरे को मतलब करवाते वक्त भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कुछ पेन हो या हो। आपके जो भी कर्मचारी लोग उन्होंने पूरा सहयोग भी दिया करने के लिए, इसमें उनका पूरा सहयोग था, पूरा उनका मतलब पॉजिटिवनेस उनकी भी थी, जो उन्होंने मेरे को भी पॉजिटिव बनाए रखा इस बीमारी में, कि कहीं भी मेरे को ये एहसास नहीं होने दिया उन्होंने इलाज के वक्त कि अभी ये कोई बड़ी बीमारी है, ऐसा इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा मेरे पॉजिटिव बहुत मेरे सामने रखे, जब भी आया मेरे को अच्छे से ट्रीट किया। और उसका ये है कि आज मैं कंटिन्यू यहाँ पे इलाज ले रहा हूँ, और आज मेरे को 2.5 महीने के अंदर मेरा मतलब मैं ज़्यादा फील कर पाऊँ, मेरे को 85-90% तक मेरा इलाज में हो चुका है। मेरे अभी मतलब जो मेरे पेन है, पेन था वो तो पेन तो अभी है नहीं मेरे, लेकिन ये है कि ठीक है थोड़ा बहुत तो इसका केस अभी रहेगा, और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में पूरा क्योर में हो जाऊँगा इसके। तो अब ये मतलब अब ये देखने में तो ये आ रहा है कि आयुर्वेद ने भी बहुत ज़्यादा मतलब विकास कर लिया है, और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो भी अपनी पुरानी बीमारी है उनका इलाज आयुर्वेद की तरफ रुख करके देख कर उनको इलाज लेना चाहिए। थैंक यू दीपेंद्र जी। तो फ्रेंड्स, सारांश आज की वीडियो का यही है कि एवियन जैसी गंभीर बीमारी, जो स्टेज 3 में पहुंची हुई बीमारी, जिसके लिए एलोपैथी में सर्जरी बता दी गई हो, ऐसा कोई हम फॉल्स क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम ही ठीक करेंगे या हमारे पास कोई ऐसा जादू है, ये सिर्फ साइंस है
एक वेल रिसर्च्ड वेल डॉक्यूमेंटेड एक एविडेंस बेस्ड साइंस है आयुर्वेद, जिसके सिद्धांतों को अगर हम फॉलो करें, पंचकर्म का सहारा लें, जीवन शैली में बदलाव करें, सही समय पे क्या खाना है, कैसे रहना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो इस तरह की गंभीर बीमारियों से हम डेफिनेटली रोगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो सुधार ही सकते हैं। उसकी जो रोग है, जैसे अभी आपने सुना कि 80-85% अगर उन्हें ये लग रहा है कि उसमें ट्रीटमेंट भी हुआ है, हालांकि पेशेंट अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है और हम ये इन्हें लगातार बताते आए हैं कि ये ट्रीटमेंट अभी कुछ दिन चलेगा, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बात यही नोट करने वाली है कि गंभीर बीमारियों में डेफिनेटली आयुर्वेद एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव चिकित्सा का एक विकल्प है, और होलिस्टिक अप्रोच इस आयुर्वेद की जो है वो गंभीर से गंभीर बीमारी को जीतने के लिए सक्षम है। तो आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।